दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पगारिया। मैं हूँ आज श्री बोरा गणेश जी स्वीट्स के ओनर दिव्यांश जी नागदा के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमें बताएं, श्री बोरा गणेश जी स्वीट्स की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? मेरा नाम दिव्यांश नागदा है। श्री बोरा गणेश जी स्वीट्स की शुरुआत 2007 में हो गई थी। इनके मेन ओनर है लीला भाई जोशी, जो रिलेशन में मेरे नानी जी लगते हैं। इसकी शुरुआत जब नानी जी खुद अपने हाथों से स्वीट्स बनाते थे, तो हम उनको नानी जी बनाते हुए हम खुद देखते थे, तो हमको लगता था कि यार वो अच्छी चीज़ बना रहे हैं, क्या है ये। तो फिर हमको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, देखने लगे हम कि कैसे बनाते हैं, क्या है। और फिर धीरे 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 हम उसमें सीखना चालू किया हमने। फिर 5-6 साल से करीबन मैं भी स्वीट्स बनाता हूँ। आज का दिन है जो पूरे उदयपुर में हम मेरे हाथों से स्वीट्स मैं खुद ही बना के प्रसाद के रूप में परोस रहा हूँ। अपने यहाँ पे बोरा गणेश जी स्वीट्स पे किस किस तरीके के लड्डू मिलते हैं? अपने पास टोटल 4 वेरायटी के हैं। बेसन वाले हैं अपने पास, ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, चॉकलेट वाले, मावा मोदक जी। सर, तो इन लड्डू में क्या क्या चीज़ें डलती है? इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो प्योर है, और जो भी नेचुरल है, कोई मिलावट वाला नहीं। अब जी, तो कैसे ये बेसन के जो चॉकलेट के लड्डू आप बता रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, किस तरीके से बनाया जाता है? सबसे पहले प्रिपरेशन जब चालू करते हैं, इसको अच्छे से सेकते हैं, बुनते हैं, फिर बुनने के बाद में इसको गर्म होने के बाद में फिर अच्छे देसी घी में सेकते हैं। सेकने के बाद में इसको ठंडा होने के बाद में अपन जो भी सारे शुगर है, ड्राई फ्रूट्स अपने सारे, वो इसमें डालते हैं, फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर कुल मिला के इसकी प्रोसेसिंग 4-5 घंटे की है। नमस्कार, जय श्री गणेश। मेरा नाम है गौरव महर्षि। मैं कई सालों से श्री बोरा गणेश जी मिष्ठान पे अपने ये गणेश जी को भोग लगाने के लिए यहीं से प्रसाद ले रहा हूँ। कारण है यहाँ की शुद्धता और यहाँ का स्वाद। आप कहते हैं कि आप जब भी मंदिर जाते हैं तो बहुत मन से आप भोग लगाते हैं, तो मैं जब यहाँ आना स्टार्ट मेरा हुआ था और जब मैंने यहाँ से प्रसाद लेना स्टार्ट किया, और उस प्रसाद को मैंने लगाने के बाद जब मैंने भी वो भोग खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जो मैं गणेश जी को चाहता हूँ, जो मैं अपनी इच्छाएं वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, तो वो ये भोग मेरा वो एक जरिया बन रहा है वहाँ तक। और जितने भी लोग हैं यहाँ आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आपको वाकई गणेश जी के शुद्धता का ध्यान रखते हुए भोग लगाना है तो प्लीज़ आइए श्री बोरा गणेश जी मिष्ठान भंडार, और यहीं से ये मिष्ठान लीजिए भोग लगाने के लिए। जय श्री गणेश। पिछले लगभग 3 सालों से मैं यहाँ से प्रसाद लेता हूँ एनऑल, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रसाद यहाँ पर मिलता है। और मेरा मानना है कि मावे की मिठाई से अलावा आप लड्डू ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि लड्डू देसी घी में बनते हैं, और भगवान को खुश करने के लिए कुछ तो देना पड़ता है ना। आजकल दोस्तों को देने के लिए खुश करना पड़ता, पार्टी देनी पड़ती है, तो पप्पा को खुश करने के लिए प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। और हाँ, स्पेशली यहाँ बोरा गणेश जी, एक बात बता दो आपको, आपको पूरे राजस्थान में कहूँ या इंडिया में वो लड्डू कहीं नहीं मिलेंगे। स्पेशली चॉकलेट वाले लड्डू, मोदक जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ कि आप मेरे फ्रेंड जितने भी, बल्कि मैं भी यहाँ से हूँ, मैं चॉकलेट के लड्डू यहाँ से लेता हूँ, और मैं बाहर जब मैं कोटा जाता हूँ तो कोटा में जो खड़े गणेश जी वहाँ पर मैं चढ़ाता हूँ। जय श्री गणेश। दोस्तों, मेरा नाम तनिक जोशी है। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है बोरा गणेश जी का। ये मिष्ठान भंडार है यहाँ पर, बहुत सारी लगती है, हर वेडनेसडे को लगती है यहाँ। ये जो मिष्ठान भंडार है श्री बोरा गणेश जी, यहाँ पर जो चॉकलेट मोदक है वो बहुत अच्छे हैं। मैं काफ़ी टाइम से, कब लगभग 8-10 सालों से बोरा गणेश जी मंदिर में दर्शन करने आ रहा हूँ, और बोरा गणेश जी स्वीट्स जो है वहीं से मैं अपना भोग और प्रसाद यहीं से परचेज करता हूँ। मैं यहाँ 3-4 सालों से आ रही हूँ बोरा गणेश जी में, और मैं यहीं से लेती हूँ। लड्डू वाले हैं, बहुत अच्छा है इनका प्रसाद है। पहले इनके नानी से बेचते थे, हम 15 साल से इन्हीं के यहाँ से लड्डू ले रहे हैं। माल है ये चॉकलेट के लड्डू हैं, सिर्फ बोरा गणेश जी स्वीट्स पे ही मिलते हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे आपको बोरा गणेश जी स्वीट्स पे आए और चॉकलेट के लड्डू ट्राई करें। बिकॉज क्या होता है, मतलब नॉर्मल लड्डू तो भगवान को भी चढ़ाते हैं, बट भगवान को भी कभी वैरायटी अच्छी होती है। भगवान से कभी पूछा आपने कि चॉकलेट लड्डू खाएंगे? वो खाएंगे, आप मना मत करो, आप ले जाओ और बहुत अच्छा बनेगा, है ना। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो उदयपुर ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप यह वीडियो Facebook और Instagram पर देख रहे हैं तो उदयपुर ब्लॉग को फॉलो करना ना भूलें। अपने कीमती फीडबैक्स, सजेशंस एंड प्रमोशंस के लिए हमें मेल करें info@udaipurblog.com पर। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए दिन, एक नई जगह और कई सारे सरप्राइजेस के साथ।